नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव, आप सभी का स्वागत करते हैं भोजपुरी रिमझिम में। दोस्तों, भोजपुरी इंडस्ट्री के ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव को लेकर लगातार आजकल कंट्रोवर्सी चल रही है और अलग अलग तरीके का विवाद चल रहा है, जिसमें खेसारी लाल यादव को बर्बाद करने की कोशिश की जा रही है और ये कोशिश ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन के द्वारा की जा रही है। दरअसल आपको पता होगा कि भोजपुरी इंडस्ट्री के ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव के हिट मैनेजर जो है विवेक सिंह है, और विवेक सिंह के गाने जो है जबरदस्त तरीके के कंपनी पर वायरल होते हैं। ब्लूबिट भोजपुरी पर उनके तीन तीन गाने को डिलीट कर दिया गया है, जो कि एक बड़े लेवल के गाने थे और वो गाने ट्रेंडिंग सेक्शन में जबरदस्त तरीके का तबाही मचा दिए थे। और तीन गाने के बाद अब कयास लगाया जा रहा है कि अब जो है इनका मैनेजर विवेक सिंह का जो चैनल ब्लूबिट भोजपुरी है उसको टर्मिनेट कर दिया जाए, क्योंकि यूट्यूब का गाइडलाइन है कि तीन चैनल पर आपके स्ट्राइक आता है तो आपके चैनल को टर्मिनेट किया जाएगा। तो इस तरीके से विवेक सिंह पर लगातार मुश्किलें बढ़ रही है। इसके साथ साथ खेसारी लाल यादव के जो मैनेजर यानी कि अन्नपूर्णा फिल्म के मालिक हैं अखिलेश कश्यप की भी मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ती नजर आ रही है, और उनके भी कंपनी के तीन तीन गाने एक साथ डिलीट कर दिए गए हैं, जिसकी संभावना डिलीट होने की ज्यादा बन गई है। और इसी बात को लेकर अखिलेश कश्यप ने एक पोस्ट फेसबुक पर पोस्ट डाला, और पोस्ट में ये डाला कि लगातार मेरे चैनल पर स्ट्राइक मार के हरदी और बरदान चाहती थी, ओढ़नी से रही आप बाहर द गाने को बंद कर दिया गया। एक सच्चे इंसान के साथ खड़ा होना का ये नतीजा है। अगर मुझे आप लोग जानते हैं तो उसका वजह खेसारी भैया है। आज मेरे चैनल पर खेसारी भैया के सारे गाने को बंद कर दिया गया। देखता हूँ कब तक ये लोग ऐसा चाल चलते हैं। इसमें हमारे कुछ अपने भी मिले हुए हैं, जिनके लिए हम कभी बहुत मेहनत और ईमानदार राइटर हुआ करते थे। जिन थाली में लोग खाए हैं उसी में छेद कर दिए, लेकिन अब आप सब जैसे भाई खेसारी लाल यादव के पास है तो भीड़ आ गया है इस पर भोजपुरी में काम करने से। मुझे लगता है कि जिस भोजपुरी के दर्शकों ने इतना प्यार दिया, आज कुछ निचले स्तर के लोगों की वजह से भोजपुरी से दूर होना पड़ रहा है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से खेसारी लाल यादव के करीबियों पर लगातार ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन का वार चल रहा है और उनके गाने को डिलीट किया जा रहा है, जिसके बाद फैंस में काफी ज्यादा गुस्सा है। और इस ट्वीट के आने के बाद और फिर से तीन गाने डिलीट होने के बाद एक बार फिर से फैंस बेकाबू हो गए हैं। तो इस चीज पर आपकी क्या राय है, जिस तरीके से फिर से अन्नपूर्णा फिल्म के गाने तीन तीन डिलीट हुए हैं, उस पर आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दर्ज कीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।